बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। आज मैं बनाने लगी हूँ मैंगो शेक, जिसके लिए हमें चीज़ें चाहिए। यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 1 गिलास ठंडा दूध, 1 टेबलस्पून चीनी, 1 बड़े साइज का आम जिसको मैंने बड़े चंक्स में काट लिया है, और इसी आम में से मैंने थोड़ा सा आम निकाल लिया है गार्निश के लिए, इसको मैंने बारीक सा काट लिया। 3 से 4 अदद चाहिए बादाम बारीक कटे हुए, 2 स्कूप वनीला आइसक्रीम के। यहाँ पे मैं मैंगो और वनीला मिक्स यूज़ कर रही हूँ। बर्फ़ हमें चाहिए हसबे ज़रूरत, और एक हमें चाहिए स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे जग का। तो सबसे पहले मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ठंडा दूध, चीनी, आम जिनको हमने बड़े साइज़ में काट लिया था, थोड़ी सी बर्फ, और यहाँ पे इसमें हम शामिल करेंगे आइसक्रीम। यहाँ पे आप 1 स्कूप भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है तो मैं 2 स्कूप डाल रही हूँ। और यहाँ पे इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से शेक कर लेंगे। मैंगो शेक यहाँ पे तैयार हो चुका है। अब हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे ग्लास के अंदर। यहाँ पे मैं 2 गिलास का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसी तरह हम दूसरे ग्लास में भी डालेंगे शेक, और इसके ऊपर हम सबसे पहले डालेंगे आइसक्रीम स्कूप। ये एक्स्ट्रा से हम डाल रहे हैं आइसक्रीम स्कूप, और अब इसके ऊपर गार्निश करेंगे आम के छोटे पीस जो हमने काट लिए थे। और लास्ट में इसके ऊपर डालेंगे बादाम। इसके ऊपर आप बहुत सी चीज़ें अपनी पसंदीदा डाल सकते हैं, लेकिन मैं ये 2 चीज़ें इसके ऊपर डाल रही हूँ। अगर आपको कुछ और पसंद है तो आप अपनी मर्ज़ी से भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके साइड पे रखेंगे स्ट्रॉस। मैंगो मिल्क शेक यहाँ पे तैयार हो चुका है। ये बहुत ही मज़ेदार और ठंडा ठंडा बनता है। आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और घर वालों को पिलाइए। गर्मी में इसका मज़ा ही कुछ और है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।